हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक न्यूज। आज की इस वीडियो में हम सब रेडमी नोट 7S की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, Redmi Note 7S की बॉक्सिंग कुछ इस तरह होती है। ऊपर में लिखा हुआ इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड, नीचे में Redmi Note 7S की ब्रांडिंग हुई है। चलिए बॉक्स पे लिखे कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। बॉक्स में के पीछे की तरफ सबसे पहले लिखा हुआ है डुअल रेयर कैमरा, जो जिसमें एक है 48 मेगापिक्सल और सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 पाया जाता है। इसकी स्क्रीन साइज 6.3 इंचेस की है और ये फुल HD है। और इसका बैटरी कैपेसिटी 4000 mAh है और 4GB रैम और 64GB इंटरनल में है और ये ब्लैक कलर में है। तो बस बॉक्स में कुछ यही डिटेल लिखे हुए हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करें। साइड में देख सकते हैं, अब मैंने मोबाइल रखा हुआ निकाल करके, तो बॉक्स के में और क्या हुआ है उसको देखाते हैं। तो बॉक्स को खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जैसा कि तो जैसे बॉक्स को आप ओपन करेंगे, इसमें एक आपको ट्रांसपेरेंट केस मिलेगा और कुछ पेपर वर्क मिलेगा। और इस पेपर वर्क में कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको पढ़नी चाहिए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू द टेक न्यूज। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तभी भी कर लीजिएगा। और इसके बॉक्स के और कंटेंट के बारे में बात करते हैं। जैसे ही ये पेपर हटाएंगे हम लोग, नीचे में आपको एक स्लो चार्जर मिल जाएगा, जबकि मोबाइल फास्ट चार्जर सपोर्ट। इसकी रेटिंग है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। तो इसको साइड में रखते हैं। और इसमें एक टाइप सी केबल मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, इस रेंज में टाइप सी केबल अवेलेबल है। तो इस सभी को साइड में करते हैं और फ़ोन चलिए जल्दी से मोबाइल के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, उसके राइट में स्पीकर ग्रिल है, उसके लेफ्ट में माइक का ग्रिल है और फ़ोन के राइट में लॉक अनलॉक बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलेगा। और ऊपर की तरफ 3.5 mm जैक है और सेकेंडरी माइक है। और फ़ोन के राइट की तरफ सिम ट्रे है। बस फ़ोन को पहले से सेटअप कर लिया है। तो इसमें अगर हम लोग फिंगरप्रिंट टेस्ट करें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फिंगरप्रिंट है। तो मैंने जैसे ही फिंगरप्रिंट को टच करूँगा ये अपने आप अनलॉक हो जाएगा, देख सकते हैं आप सब। इसमें फेस लॉक भी अवेलेबल है, जो बहुत अच्छी तरह काम करता है। आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में लिख रहा है वेरीफाइड फेस डाटा सक्सेसफुली। तो ये अनलॉक हो गया है, थोड़ा स्लो है लेकिन अच्छी तरह काम कर रहा है। इसमें मैंने पबजी भी खेलकर देख लिया है, तो चलिए पबजी खेलकर देख लेते हैं। मैं इसमें पबजी जी हाई सेटिंग्स पे खेलता हूँ, तो चलिए थोड़ा सा आपको भी दिखा देते हैं। इसमें किसी भी तरह का लैग नहीं मुझको दिखा, मैं पिछले एक महीने से इस फोन को यूज कर रहा हूँ। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसमें मुझे थोड़ा भी लैग नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं मुझे इस फ़ोन में थोड़ा सा भी लैग नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये तो हाई सेटिंग्स में बहुत अच्छा ही पबजी चल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। आपको स्क्रीन पर कुछ इसके कैमरा शॉट्स दिख रहे होंगे, फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों के शॉट्स दिख रहे होंगे। तो अगर आपको ये फ़ोन अगर आपको परचेस करना होगा, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा जरूर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये फोन परचेस करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका ये छोटा सा भाई भी पॉपुलर हो जाए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, उसका हैंडल साइड में देख रहा होगा, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं बिहाइंड द सीन उस पर डालता रहता हूँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।